एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 270 पे जो प्रॉब्लम नंबर 9 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। देयर वाज एन एरर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर यशवंत ऑन 31st March 2019 and the difference in the books was carried to a suspense account. हमें पता है अगर ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कोई भी एरर्स होते हैं, कोई भी हमें मिलता है that there is some difference, तो हम क्या करते हैं, उस difference को हम suspense account में transfer कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया whether there is a debit balance or a credit balance or what is the amount that has been passed in the suspense account. ठीक है, आगे क्या दिया गया है देखो। On going through the books, you found that हमें कुछ पांच एरर्स दिए गए हैं, उसके नीचे क्या लिखा है, लेट अस रीड दैट। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स एंड असर्टन द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट ऑन 31st March 2019 बाय शोइंग द सस्पेंस अकाउंट अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट इज बैलेंस्ड अबव आफ्टर द अबव करेक्शंस। इसका क्या मतलब है, हमें क्या बोला है, असर्टन द अमाउंट ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब यहाँ पे जो आपने सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर किया था, दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। और ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, आफ्टर ऑल द रेक्टिफिकेशन इज डन द सस्पेंस अकाउंट हैज टू टैली, तो जो बैलेंस रहेगा दैट मीन्स दैट इज आर सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस दैट हैज बीन ट्रांसफर। Getting it? Understood? This has been asked to us. हमेशा क्या होता है, हमें प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में दिया गया होता है that there is a debit balance or a credit balance in the suspense account. यहाँ पे हमें ये find out करना है as our balancing figure. Okay? Now let us prepare these formats. इस तरह से journal का format बनाएंगे, this is our working note and suspense account as well, because suspense account के बाद, पूरा बनाने के बाद हमें जो balancing figure मिलेगा that is the answer to the question that has been asked. Okay, let us go to the errors one by one. First, kya diya gaya hai? 1000 being purchases return was posted to the debit of purchase account. Now, let us bifurcate this. Kya bola hai? 1000 being purchase return. Agar purchase return hai, to hamari entry kya aani chahiye thi? सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1000, राइट? तो यहां पे मैं करेक्ट एंट्री के कॉलम में लिख देती हूं, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज रिटर्न, करेक्ट? ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। अभी हमें क्या दिया गया है, इट वॉज पोस्टेड, मतलब गलती मैंने पोस्टिंग में की, ये मैंने एंट्री सही पास कर दी, लेकिन वाइल पोस्टिंग व्हाट डिड आई डू, आई पोस्टेड इट टू द डेबिट ऑफ परचेजेस अकाउंट, मतलब मैं यहाँ पे परचेजेस अकाउंट में गई थी, व्हाट डिड आई डू, आई वेंट टू माय परचेजेस अकाउंट, ऑलराइट, और उसके डेबिट साइड पे मैंने 1000 रुपीज यहाँ पे लेजर अकाउंट में गलती से पोस्ट कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो गलती की है लेजर अकाउंट में पोस्ट करके, पहले तो उसे मैं सुधारूंगी, कैसे, उसे रिवर्स करके, सो मैं टू परचेजेस करूंगी 1000, राइट? ये जो मैंने क्रेडिट डेबिट किया हुआ है इसे मुझे रेक्टिफाई करना है, तो मैं करूंगी टू परचेजेस, गेटिंग इट, टू परचेजेस अकाउंट 1000, सही बात है। और हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल एंट्री पास होनी चाहिए थी, एक्चुअल पोस्टिंग मेरा क्या होना चाहिए था, परचेजेस रिटर्न अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है 1000 रुपीज से, सो मैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट को वापस क्रेडिट कर दूंगी, तो हियर आई एम गोइंग टू डू टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000, गेटिंग इट। और अभी क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ये वन साइडेड हो गया ना, दोनों भी क्रेडिट हो गया, तो हाउ एम आई गोइंग टू टैली दिस एंट्री, मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा सस्पेंस से, तो मैं सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000, अंडरस्टूड? लेट अस गो टू द जर्नल प्रॉपर नाउ, यहां पे हम लोग लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000
टू परचेजेस अकाउंट, जो गलती की थी उसे हमने सुधार दिया, एंड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 1000. नरेशन, बीइंग परचेज रिटर्न रॉन्गली पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड. ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड. 4000 पेड टू बद्रीनाथ वॉज डेबिटेड टू केदारनाथ अकाउंट. 4000 पेड टू बद्रीनाथ, यहां पे मेरी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट टू कैश 4000, राइट? उतना पैसा मेरे बिजनेस से बाहर गया. सो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में चलती हूं, यहां पे मैं लिख देती हूं बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000. ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया? वी हैव डेबिटेड टू केदारनाथ अकाउंट, मतलब मैंने गलती से यहां पे कर दिया केदारनाथ अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000, राइट? तो अभी मुझे क्या करना है, दोनों एंट्रीज को कंपेयर करके व्हाट इज द करेक्ट पोर्शन. देखिए, टू कैश इज द करेक्ट पोर्शन, तो इसे मुझे अभी इग्नोर करना है बिकॉज ये तो सही हो गया. अभी जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट 4000. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में मैं पहले बद्रीनाथ अकाउंट को डेबिट करूंगी 4000 से, राइट? और ये जो मैंने केदारनाथ को डेबिट कर दिया गलती से, इसे सुधारने के लिए, इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, मैं केदारनाथ के अकाउंट को अभी क्रेडिट करूंगी 4000 से, राइट? तो मेरी एंट्री हो जाएगी बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट 4000 टू केदारनाथ 4000, राइट? सो नाउ लेट अस गो टू द जर्नल, लेट अस राइट दिस एंट्री हियर. बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट 4000 to Kedarnath account 4000. Narration being cash paid to Badrinath wrongly passed to Kedarnath's account now rectified. Okay? All right. Third, 5400 received from Kishore was posted to the debit of his account. अगर मुझे 5400 मिले हैं किशोर से, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर 5400, राइट? सो लेट अस पास दिस एंट्री हियर इन माय वर्किंग नोट. आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट 5400 टू किशोर अकाउंट 5400, करेक्ट? अभी हमने गलती क्या कर दी है, यहाँ पे हमें दिया गया है इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. अभी पोस्टेड वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब गलती कहाँ हुई है? पोस्टिंग होती है लेजर में, तो पोस्टिंग पोस्टेड वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स लेजर अकाउंट में हमने गलती कर दी है. बेसिक एंट्री हमने सही पास की, ओके? अभी हमने क्या कर दिया, गलती से किशोर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ओके? नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव. यहाँ पे हम किशोर का अकाउंट बनाएंगे, लेट अस अंडरस्टैंड. हमने क्या कर दिया, यहां पे किशोर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 5400 से, करेक्ट? लेकिन हमने क्या करना चाहिए था, हमने किशोर के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, राइट? बिकॉज कैश हैज बीन रिसीव्ड. तो 5400 हमने करना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन हमने कर दिया डेबिट. तो हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो गलती की है उसे हम रेक्टिफाई करेंगे. ये जो 5400 हमने गलती से किशोर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो हम उसे पहले क्रेडिट कर देंगे. तो किशोर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5400 से, राइट? तो ये जो गलती की है वो नलीफाई हो जाएगी, करेक्ट? किशोर के अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, अभी क्रेडिट कर दो, ताकि जो गलती हुई है वो हमने रिवर्स कर दी, राइट? लेकिन एक्चुअल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए था, किशोर के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 5400 से, राइट? तो वो भी तो हमें करना पड़ेगा, गलती को सुधारना भी पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो भी करना पड़ेगा. क्रेडिट करना चाहिए था 5400 से,
तो हम किशोर के अकाउंट को वापस क्रेडिट करेंगे 5400 से। बी वेरी वेरी केयरफुल, यहाँ पे हमें दो बार क्रेडिट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये जो डेबिट है उसका इफेक्ट एक बार नलीफाई करने के लिए हमने क्रेडिट किया, और दूसरी बार हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज ये जो सही एंट्री है उसमें किशोर के अकाउंट को क्रेडिट है, तो वो भी करना पड़ता है, राइट? हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी गलती की है पहले उसे रिवर्स कर देते हैं, और जो सही एंट्री है उसे भी हम पास करते हैं। तो दोनों भी केसेस में किशोर के अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है 5400 से। तो टोटल किशोर के अकाउंट को हमने 10800 से क्रेडिट करना पड़ेगा। आई ऑल गेटिंग दिस? क्या हो रहा है, हमने क्यों डबल किया किशोर के अकाउंट को क्रेडिट? बिकॉज एक तो हमने गलती को रिवर्स कर दिया, और दूसरा जो सही एंट्री पास करनी थी उसके लिए भी किशोर के अकाउंट को क्रेडिट करना जरूरी था। तो 10800 से किशोर के अकाउंट को क्रेडिट होगा। नाउ अगेन दिस बिकम्स आर वन साइडेड एंट्री, तो हमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10800 टू किशोर 10800। सो लेट अस गो टू द जर्नल एंड लेट अस पास दिस एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10800 टू किशोर अकाउंट 10800। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम किशोर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। गेटिंग दिस? ओके, आगे डिस्काउंट रिसीव्ड 2000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वापस गलती हमारी पोस्टिंग में हुई है, ठीक है? अभी वापस हम ये दोनों भी अकाउंट्स एक बार बना लेते हैं फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। जब भी पोस्टिंग में गलती हुई है दैट मीन्स लेजर अकाउंट में हमारी गलती हुई है, ना कि रिकॉर्ड में। बेसिक रिकॉर्ड सही है, लेकिन हम जब पोस्ट कर रहे थे तब गलती हो गई। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड 2000, इसका मतलब ये मेरा इनकम है, राइट? ये मेरा मुनाफा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था 2000 से, राइट? ये मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट है, ठीक है? तो यहां पे मैंने क्रेडिट करना चाहिए था 2000 रुपीज से, बिकॉज दिस इज माई इनकम। मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने इसे डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, मतलब एक और अकाउंट मैंने बनाया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है? जहां पे हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट, माय नुकसान, मेरा लॉस है। तो मैंने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया 2000 से। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे सुधारने के लिए, मुझे सुधारने के लिए पहले तो ये जो गलती की है इसे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से। आई एम विथ मी? सो लेट अस डू दैट। जर्नल प्रॉपर में चलते हैं और यहां पे मैं लिख दूंगी टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, राइट? ये मैंने गलती से डेबिट कर दिया था, तो मैं अभी यहां पे क्रेडिट कर देती हूं ताकि ये इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, ठीक है? अभी और क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था वो भी तो करना पड़ेगा, तभी जाके ये सही एंट्री हो जाएगी। मैंने इस गलती को रिवर्स कर दिया लेकिन इसे भी तो मुझे सही करना पड़ेगा। सो डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं क्रेडिट करूंगी 2000 से, राइट? सो लेट अस गो टू द जर्नल प्रॉपर एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बिकॉज ये मेरा मुनाफा है तो इसे तो मुझे क्रेडिट करना ही पड़ेगा। अभी देखिए वापस ये जर्नल एंट्री में क्या हो गया, दोनों भी क्रेडिट ही है, तो डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो यहां पे मैं लिख दूंगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू डिस्काउंट अलाउड। गेटिंग इट? क्या किया हमने, वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ऑलराइट, चलो आगे। 2740 पेड टू रिपेयर्स टू मोटरसाइकिल वॉज डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट 1740। तो पहले तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 2740 पेड टू रिपेयर्स टू मोटरसाइकिल। रिपेयर्स ये मेरा रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, राइट?
तो मैं रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करूंगी और कैश को क्रेडिट करूंगी. तो माय करेक्ट एंट्री मेरे वर्किंग नोट में मैं लिख लेती हूं, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2740 टू कैश अकाउंट 2740. ओके, अभी गलती क्या कर दी हमने यहां पे, इट वॉज डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट 1740. मतलब मैंने गलती से क्या कर दिया यहां पे, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट 1740. इस तरह से मैंने ये गलती यहां पे कर दी है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गलती को सुधारने के लिए पहले मुझे मोटरसाइकिल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 1740 से, राइट, बिकॉज ये मैंने गलती से डेबिट कर दिया. तो मैं मोटरसाइकिल को क्रेडिट करूंगी टू मोटरसाइकिल अकाउंट 1740. ठीक है, और सही एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 2740 से. तो ये भी तो मुझे करना पड़ेगा. तो मैं जर्नल में लिखूंगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2740. मैंने जो गलती कर दी थी मोटरसाइकिल को डेबिट करके वो मैंने रेक्टिफाई कर दी, और रिपेयर्स को मैंने डेबिट करना चाहिए था वो भी मैंने कर दिया. लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, देखो कितने का डिफरेंस है, 1000 रुपीज का. अब मैं क्या करूं इस जर्नल एंट्री को पास करने के लिए, मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी. तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू सस्पेंस अकाउंट 1000. आई ऑल विथ मी, मैंने जो पहले गलती कर दी थी उसे रिवर्स कर दिया, जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो पास कर दी, और जो भी डिफरेंस आ रहा है दैट आई हैव ट्रांसफर टू माई सस्पेंस अकाउंट. तो यहां पे मेरा नरेशन आएगा बीइंग रिपेयर्स टू मोटरसाइकिल रॉन्गली डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड. ओके, तो देखो अभी हमारा कुछ बचा है क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा है. तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे जर्नल की टोटल करनी है एंड देन सस्पेंस अकाउंट को मैं पोस्टिंग्स करने वाली हूं. तो लेट अस डू द टोटल हियर. तो मेरी यहाँ पे टोटल आ रही है 23,540. ओके, एंड नाउ लेट अस गो टू द सस्पेंस अकाउंट, और यहां पे मैं सब पोस्टिंग्स करूंगी वन बाय वन. ओके, लेट अस गो थ्रू आर एंट्रीज हियर. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू परचेज रिटर्न 1000. सस्पेंस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी टू परचेजेस 1000, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000. ऑलराइट, आगे बद्रीनाथ टू केदारनाथ, यहां पे सस्पेंस अकाउंट है नहीं. आगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किशोर 10,800. तो मैं यहां पे लिख दूंगी 10,800 टू किशोर अकाउंट. ओके, आगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड 4,000. तो सस्पेंस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, टू डिस्काउंट अलाउड 2,000. ओके, एंड आगे क्या है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट टू मोटरसाइकिल अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है 1000 से, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में चलेंगे और यहां पे लिख देंगे 1000 बाय रिपेयर्स अकाउंट. ओके, सो नाउ लेट अस सी क्या आ रहा है मेरी बैलेंसिंग फिगर. माय टोटल हियर इज 16,800. ठीक है, और ये 1000 रुपीज क्रेडिट में है, दैट मींस मेरी बैलेंसिंग फिगर है 15,800. ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, दिस इज द बैलेंस जो मैंने इनिशियली ट्रांसफर किया था सस्पेंस अकाउंट को. देखिए यहां पे जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था, ये जो बैलेंस है दिस इज द बैलेंस दैट वी आर गेटिंग हियर. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
ब्रॉट डाउन क्यों? बिकॉज ये शुरुआत का बैलेंस था, उसके बाद हमने ये सब एंट्रीज पास की, नाउ देयर इज नो बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, असर्टन द अमाउंट ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट ऑन 31st March 2019, तो दिस इज द अमाउंट दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट। आई ऑल गेटिंग दिस क्लियरली? ओके, अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डोंट फर्गेट टू कमेंट योर कमेंट्स, रियली कीप मी मोटिवेटेड। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। आई एम गोइंग टू कम्प्लीट एंटायर पोर्शन ऑफ क्लास 11, सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स अवेलेबल है चैनल पे, प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 11th स्टैंडर्ड इज द बेस ऑफ योर अकाउंटेंसी जर्नी, सो अगर आपके बेस स्ट्रांग होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू 12th स्टैंडर्ड के लिए। सो प्लीज एंश्योर यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, कोई भी डाउट मत रहने दीजिए, कोई भी डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लेट योर कमेंट्स पोर इन। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।